Okay, so let's play RailWorks Train Simulator 2022. ठीक है गाइस, मैं रूटर पे भी आ गया हूँ एंड वी आर प्लेइंग 12075 कोशिकोड़े त्रिवेंद्रम जनशताब्दी एक्सप्रेस रिक्वेस्टेड बाय अभिनव. सो केरला वर्जन 1 रूट में हम लोग खेल रहे हैं. आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने ये एक्टिविटी बनाया. प्लीज़ ऑलवेज मेंशन योर नेम द सिनेरियो मेकर द एक्टिविटी मेकर. अब मुझे पता नहीं कि इन्होंने बनाया. सो एज गेस टू चैट यू कैन फॉलो मी ऑन रूटर ऑल्सो. तो फिलहाल मैं यूट्यूब और रूटर पे सब में अवेलेबल हूँ. ट्विच का फिलहाल नहीं रखा है मैंने. अभी नेक्स्ट स्ट्रीम में देखूँगा या फिर कल देखूँगा डायरेक्ट. और ये भाई साहब यहाँ पे गेम हैंग हो गया है. लेट्स वेट फॉर अ वाइल. या फिर इंटरनेट का कुछ गड़बड़ हुआ होगा. आई विल हैव टू वेट फॉर दैट. तो भाई क्या पंगा, एक बार देखूं. या अभी लोड हो रहा है. लॉल दैट दिस रूट वॉज मेड बाय लॉगी. यस, दिस रूट वॉज मेड बाय लॉगी एंटरटेनर मोहम्मद सवाजी का. ये रूट है केरला वर्जन 1. दिस रूट इज मेड बाय हिम. एक्चुअली फैन रैंकिंग का पॉइंट्स भी जाता है. मेरे 500 पॉइंट गए तो वो 500 पॉइंट आप लोग को मिलेंगे. अभी वो टॉप 3 बंदों को शायद 500 पॉइंट मिलेंगे. आई विल चेक दैट. मुझे बता देना. आई थिंक सो टॉप 3 में अभिनव भाई हैं, एक रवि कुमार भाई हैं और आई थिंक सो अपूर्व वो है या फिर अक्षत भाई. इन चार में से एक कोई भी तीन जन टॉप में है. तो अगर आप लोग को पॉइंट्स में तो बता देना. रात के 12 के बाद ऐसे मिलेगा. कोई बात नहीं यार, बाद में. एक्चुअली व्हाट्सएप मुझे बहुत मैसेज आया इसको लेकर. बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम ब्रो. यानी ये हर स्ट्रीमर के साथ होता है. ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. अननोन एरर. लॉल, आई बिलीव मुझे आगे जाके कुछ एरर्स मिल सकता है. बट लेट्स सी. ड्राइव 12075 कोशिकोड़े त्रिवेंद्रम जनशताब्दी एक्सप्रेस वैक्स 7 ई रोड लोको रिवर्स टू प्लेटफॉर्म नंबर 1 मैनुअल कपलिंग स्पीड 11. वैक्स 7 तो पीछे खड़ा है यार. यहाँ पे तो अपना वैप 7 खड़ा है. यहाँ पे वैग 7 लिखा है. डिपार्चर टाइम 2:42 कुछ भी. आई थिंक सो इसमें कुछ गड़बड़ है यार. 1:42 होना चाहिए. डिपार्चर टाइम इज 2:45. यहाँ पे तो अभी तक 1:30 है. आई थिंक सो सिनेरियो मेकर ने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे. सो एनीवेज लेट्स सी. मैं एक बार रूटर को स्विच करता हूँ ब्राउज़र पे, क्योंकि भाई साहब ऐप में अभी अलग ही लेवल का चल रहा है. हेलो रिंटोना, वेलकम. पता नहीं मुझे एरर आ रहा है. आप लोग के सामने देखो एरर आया है. अभी मुझे पता नहीं ये किस चीज़ का क्या पंगा है. एक बार मैं रूटर पे देखो भाई. और तो वैग 7 लिखा है यहाँ पे, वैप 7 है. आई बिलीव कुछ तो गड़बड़ है. एक बार इसको गेमिंग मोड पे ले लेता हूँ. अरे भाई गेमिंग मोड पे आ जा. काफी आ गया. ठीक है, लोकोमोटिव स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी आगे क्या हिसाब रहता है. और मैंने ये वेब एक्चुअली ये ऐप भी देखा तो कोई नया सिनेरियो नहीं है और ना ही ये सिनेरियो का कोई अपडेट आया है. रिंडोना फिर क्या गड़बड़ हो गया. वैग 9 लिखा, वैग 7 सॉरी लिखा है.
वो तो खैर मेरे ख्याल से पीछे खड़ा है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे, और कपलिंग पे भी लिखा नहीं था कि हमें जाके इसको कपलिंग करना है। और एक गोंडा शेड का है वहाँ पे वैग 7 ईरोड लिखा था। तो वैसे हम इसे कपलिंग करते गए जिससे सब जो शताब्दी एक्सप्रेस पेंटोग्राफ ऊपर है। हेलो अभिनव वेलकम, अक्षत भाई वेलकम, ऋषि ब्रो वेलकम, वेलकम टू डोटा गाइस। नए नए ऐप्स ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के सजेशन पे। चिकी भाई, ध्रुव भाई और 3-4 लोगों ने रूटा का रिक्वेस्ट किया, तो यस दिस समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो। सबरी एक्सप्रेस खेलो आज रिलीज़, ओके खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे। लेकिन अभिनव भाई ने खास त्रिवेंद्रम वाला रिक्वेस्ट किया था जलचित अभी, तो वो ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी कैसा रहता है। इट विल रीच एर्नाकुलम साउथ स्टेशन अराउंड 6 to 7 PM। एर्नाकुलम देखता हूँ जाता है कि, वैसे एर्नाकुलम तक तो नहीं होएगा क्योंकि वहाँ तक का सिग्नलिंग बाकी है। 4 बजे इरिंचला कलगोड़ा पे पहुँचेगी। आई होप मैंने राइट प्रोनाउंस किया हो। ट्रैक भी देखो भाई, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, ठीक है। आगे जाके कुछ गड़बड़ है, एक ट्रेन के रुकना पड़ेगा हमें। वैसे भी आते से लोकल रिवर्सल है तो फिर वेट करता हूँ। आगे जाके इसको टक्कर ना मारो, वो भी ध्यान रखना मुझे। ब्रेक्स मार लेते हैं और केबिन स्विच कर लेते हैं। हेलो अक्षत भाई वेलकम। कोची या कोटयाम का ट्रेन है सबरी एक्सप्रेस, ओके। भाई सबरी एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट मैंने सुना है, आई थिंक सो जरीन भाई के रूट पे होता है। रिवर्स करके देखता हूँ, या रिवर्सिंग पे हम लोग कपलिंग कर रहे हैं गाइस कोच को। वैसे दरवाज़ा खोल के मतलब नहीं, क्योंकि हमें बाद में ट्रेन, अभी ट्रेन को रिवर्स चला रहे इंजन को। बट आई एम कन्फ्यूज यार, वैग 7 लिखा नहीं था, वैग 7 लिखा था एंड टाइमिंग 2:45 का लिखा था, जबकि 1:30 बजे नहीं। तो ना कुछ चेंजेस है हुआ है क्या सिनेरियो में, क्योंकि यार देखो ये सिनेरियो मैंने BS ऐप से डाउनलोड किया है और BS ऐप में इस सिनेरियो को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है। आई एम कन्फ्यूज बिकॉज एरर भी आया है, प्लस वैग 7 लिखा था जबकि वैग 7 मिला है, कि WAG 7 लिखा था, WAP 7 हम लोग चला रहे हैं एंड 2:42 पे डिपार्चर लिखा था जबकि 1:35 के आसपास हुआ था गेम में। 1 घंटा तो हम खड़े नहीं रहेंगे इधर यार। वो ट्रेन डिलेल नहीं हुई, और ब्रेक्स लेट लगे, बहुत लेट ब्रेक लगे। कपलिंग भी कर लेते हो गया कपलिंग, बाय। चौड़ था यार ये कपलिंग, तो हो गया, एक चेन जुड़ गया इधर। सो ये आपको स्टेशन मिल रहा है। हेलो अपोलो वेलकम। यहाँ पे चलिए स्टेशन का हाल देखते हैं। मेरे ख्याल से 1:42 पर आना हमने, इन्होंने गलती से शायद 2:42 लिखा होगा। शोरनूर 3 बजे पहुँचना है और 2:15 तिरुर, और तिरुर कितना किलोमीटर दूर है, 41 किलोमीटर। लेकिन यानी हाँ 1:42 पर डिपार्चर होना चाहिए हमें। आई थिंक सो उनका टाइपो एरर हुआ होगा सिनेरियो मेकर का। यहाँ पे अपना MU है, आई थिंक सो भाई साहब के साथ पैरल रन होएगा, तो आई विल बिलीव के मुझे ठीक है 1:42 पे ही निकालना पड़ेगा। ये पार्सल भाई साहब इधर खड़े, ओके तो लेट्स बी रेडी टू डिपार्ट द ट्रेन। इंजन कहाँ पे, अपना यहाँ पे होगा।
थोड़ा आगे चला के देखता हूँ ट्रेन का साइड कौन सा है, यही है। इंजन बहुत दूर है एक्चुअली। हेलो रेन टोंडा वेलकम मेंबर 1-2 मंथ ऑल सिनेरियो है। ओके 1 या 2 मंथ्स ऑल सिनेरियो और तो रूट के अपडेट लीज एक हफ्ते पहले हुआ था। ओके तो शायद इसके लिए करना होगा, लेकिन यार फिर भी यार वैग 7 से वैप 7 कैसे चेंज हो जाएगा यार, बट कोई कम नहीं, लेट्स सी जहाँ तक ये सिनेरियो चलता है। 2 महीना ओल्ड सिनेरियो के, हाँ रूट का अपडेट एक हफ्ता पहले हुआ था आई, बट ठीक है वो एरर का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ लिखा हुआ तो वो चीज़ कंफ्यूज करता है यार। सही है, ताकि सो टाइमिंग चेंज हुआ गया, और देखो वो मेमो ट्रेन भी चल रही है क्या। हाँ वो भाई साहब चल रहे कि रुके पता नहीं, नहीं कैसे रुके हुए। हेलो प्रशांत शिंदे ब्रो वेलकम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यार इंजन से बहुत दूर है यार हम लोग, इंजन को हॉर्न नहीं सुने देगा, बहुत कम सुने देगा, नहीं देगा अभी तो। ट्रेन फ्लिप हो जाना चाहिए, खड़ी है वैसे ऐसे लगे तो वैसा बोला पहला है। देर आर 2 जनशताब्दी। ओके फिलहाल स्पीड लिमिट है तो फिर विल हैव टू वेट, आगे का सीटर्स देखते हैं भाई। आगे लाइन क्लियर है अपने लिए, ग्रेट। सो आगे का लाइन हमारे लिए क्लियर है, बाकी कल MSTS एंड रेलवर्क्स का भी सोच रहा हूँ वही सिनेरियो खेलेंगे, ये वाला भी खेलेंगे ज़रूर हम लोग क्योंकि, लेकिन क्योंकि एरर आया तो आई बिलीव हमें आगे जाके शायद कुछ एरर मिल सकता है, तो हम लोग कोई और सिनेरियो भी खेलेंगे। बाकी आपका जो जनशताब्दी हम लोग क्विक ड्राइव में भी खेलेंगे अभिनव भाई। अच्छा ओना वाला भी है, सही है। वन इज दिस वन एंड अदर इज द, ओके कन्नू त्रिवेंद्रम, सही है। अरे त्रिवेंद्रम की तरफ दोनों जनशताब्दी जाती है, दैट्स ग्रेट टू नो। मेरे ख्याल से इंजन के नज़दीक वाला ये एरिया है, चलो तो अभी इंजन का आवाज़ अच्छा आ रहा है पहले से, बहुत ज़्यादा डिस्कंट सेलेक्ट है सेलेक्टिव। ओके चलो स्पीड लिमिट बढ़ गया 80 किलोमीटर पर आवर का, लेट्स स्पीड अप द ट्रेन नाउ। सो हम लोग का पहला सेशन तिरूर है, 39 किलोमीटर्स बाद आई होप सब कुछ सही रहे, क्योंकि एक भी एरर आता है तो भाई कहाँ पे एरर मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा कोई नहीं जानता। हेलो गेफ्रूट भाई वेलकम,
आप लोग रेडी हो जाना अपने मापा में, अपने मैं आऊँगा 9:30 तक शायद आ जाऊँ, बिकॉज मैंने लेट शुरू किया है आज। बोलते हैं ना आज वीकेंड है तो भाई काम बहुत रहता है, रात को ऑफिस का भी काम है वैसे, ऑब्वियसली छुट्टी तो होती नहीं है। आई मैं शायद कल छुट्टी लूँगा, मेरे को ऑप्शन है कल या परसों दोनों में से एक दिन छुट्टी सेलेक्ट करने का। और ट्विच पे फिलहाल नहीं कराऊँ रेंट वाना, क्योंकि 3-3 जगह स्ट्रीम कराऊँ लैग का प्रॉब्लम मिल रहा है। रूटर समथिंग न्यू और मेरे 500 पॉइंट चले गए, तो आई थिंक सो मेरे जो 500 पॉइंट गए हैं वो जो फर्स्ट 3 रैंकर्स थे, आई थिंक सो अभिनव भाई थे, एक रवि कुमार भाई था और अपूर या फिर अभिनव या फिर अक्षत भाई, इन दो इन तीनों में से यानी इन चारों में से 3 जन को शायद वो 500 पॉइंट डिवाइड हो जाएंगे। ये भी अच्छा चीज़ है यार, तो जब आप लोग के 5,000 पॉइंट होते हैं गाइस, यू कैन डायरेक्ट यू कैन कन्वर्ट इट टू पेटीएम। 3,000 पॉइंट्स हो जाएंगे तो यू कैन कन्वर्ट इट टू पेटीएम, लेकिन 3,000 पॉइंट्स पर 25 रुपये मिलेगा, उससे अच्छा 5,000 पॉइंट 50 रुपये ले लो। एंड मैक्सिमम यू कैन क्लेम इज 3,000 यानी नॉट सॉरी 3,000 300 30,000 पॉइंट पे यू कैन क्लेम 300 रुपीज़। सही है यार, बट ही ये लोग कहेंगे कि भाई आपकी गिव अवे से तो कम ही है, क्योंकि गिव अवे 15,000 पॉइंट्स पे क्ले आप लोग क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, वो कंपटीशन टाइप हो जाता है बाद में जिसका ज़्यादा पॉइंट होए, पर मैंने देखा है 30,000 पॉइंट्स पे 350 रुपये भी मिल चुका है, और 350 का मैंने 450-500 का भी लोगों को गिव अवे दिया है। बट ये इसमें गारंटीड आपको रिटर्न्स मिल रहा है, ये चीज़ मैं कहूँगा। नहीं आई थिंक सो अपलोड कर सकते हो आप, दिस इज़ अ लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, लेकिन आप इसमें वीडियोस अपलोड कर सकते हो, बट इसमें एक्चुअली कुछ कंडीशंस है वो आपको डीजेस गेमिंग भाई बताएंगे क्योंकि मैं भी नया हूँ इस चीज़ के लिए, और मुझे कहा है कि भाई आप पहले लाइव स्ट्रीम करके देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो यू कैन कंटिन्यू, क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत है। एंड रेंटो ना इसमें ऐसा नहीं कि आपको पर वीडियो का मिले, जैसे अपने को यूट्यूब पे 2 रुपया 3 रुपया 1 रुपया ऐसा सब मिलता था, इस पर फिक्स ऐसा टाइम मिलेगा, सैलरी टाइम मिलता है, सैलरी भी कितना 500, 600, 700, 800 यानी एक हफ्ते का कुछ ऐसा है। तो हफ्ते का अगर आपको 500 भी मिल रहा है 800 भी मिल रहा है इट्स गुड, बट अन्ना कुछ कंडीशन से आपको फुलफ़िल करना है, मिनिमम 3 आवर्स आपको दिन में देना पड़ेगा, अभी वो 3 आवर्स मेरे लिए बहुत टफ रहेगा, बट ठीक है आई विल ट्राई यार। देखो अभी यूट्यूब से तो इतना इनकम है नहीं, आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट, तो रूटर से ट्राई करते हैं। शताब्दी के अंदर हम लोग इसमें गाइस वैसे भी 6 कैमरा से फ्रंट कैमरा भी हम लोग कर सकते हैं इसमें, ऐसा वाला जो देखो मैं सब इस तरह कि आप लोग भी इसमें ट्राई कर सकते हो यूट्यूब का, लेकिन आई थिंक सो इसमें फिलहाल लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो शायद मेरे को अगर लोग बोलते कि नहीं आप यूट्यूब पे नहीं करते तो फिर मैं शायद यूट्यूब के बदले रूटर पे ही करूँगा, बट लेट्स सी कॉन्ट्रैक्ट क्या कंडीशंस क्या कहता है लोग का क्योंकि देखो मैं भी चाहता हूँ आप सब लोग अर्निंग करो, आप लोग सब लोग कमाओ, सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है मुझे। हेलो अरकन भाई, वेलकम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। अरकन भाई पॉइंट्स देख लेना, आपको मैंने पॉइंट्स दे दिए, आपने जितने भी सुपर चैट्स दिए कल लगभग 1-1.5 घंटा बैठ के सबके मैनुअली पॉइंट्स लिखे एक्सेल में, नेम वाइज सॉर्ट किए, पॉइंट्स वाइज सॉर्ट किए, अमाउंट वाइज सॉर्ट किए, बहुत मेहनत लगा, लेकिन एट द एंड मेरे को सही रिजल्ट्स मिले आप लोगों के, तो आपके कुछ 4-7 हज़ार पता नहीं कितना पॉइंट्स लगे, थाउजेंड्स में आपके पॉइंट्स हो गए। एवरी मंडे मैं ओके इट्स अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट एंड यू विल रीच अंडरग्राउंड ऑन मंडे। सही है यार, जन शताब्दी एक्चुअली काफ़ी लोगों की डेली वाली ट्रेन भी है। बकरी इंटो ने आप अपलोड भी कर सकते हो और ट्राई कर लो चाहिए तो। हाँ रेवेन्यू के लिए ठीक है, लेकिन देखो इसमें फिक्स इनकम है, अभी YouTube में देखो आप लोग सुपर चैट सबसे भी आते हैं तो हम लोग को थोड़ा हेल्प मिल जाता है, इसमें ऐसा चीज़ नहीं है, इसमें सैलरी टाइप होता है कि नहीं भाई तुम्हारा कितना भी है वो हमको नहीं मिलेगा, वो रूटर ओनर्स को समथिंग कुछ ऐसा मिलेगा, मुझे देखो एग्जैक्ट डिटेल में पता नहीं है, बट मुझे एक चीज़ उन्होंने बोला है कि भाई इसमें आपको जो पब्लिक से मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो किसी और को जाएगा, आपको बस एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, इट्स फाइन फॉर मी यार, बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 3 घंटा स्ट्रीमिंग मिनिमम का है इन्होंने, और 3 आवर्स स्ट्रीमिंग यानी मेरा बिल और बढ़ना है, खुला कह रहा हूँ भाई, भले दिन में मैं 4-5 घंटा स्ट्रीमिंग करते हैं लेकिन वो पार्ट्स में करता हूँ,
इसमें लगातार 3 घंटा स्ट्रीमिंग करना, तो रिंटू आना या जो भी करना चाह रहा है प्लीज़ एक चीज़ रखना, यानी जेमिनी के थ्रू अगर जा रहे हो तो 3 आवर्स का करना है आपको, सैलरी टाइप मिलता है हर हफ्ते का 500, 600, 700, 800, डिपेंडिंग कि वो लोग आपको किस लेवल में रखते हैं। बाकी देखो कुछ को लोग अलग कंडीशन है, कुछ बोलेगा 1 घंटा करो, कुछ बोलेगा 2 घंटा स्ट्रीमिंग करो। इनफैक्ट मेरे को एक बंदे ने बोला कि भाई एक जगह पे तो आपको दिन के 4 घंटे स्ट्रीमिंग करने हैं एंड कुछ 1000 समथिंग देते हैं लोग, बट ठीक है मैंने कहा इतना भी मेरे को नहीं करना है भाई। 950 का मैं ट्राई करूँगा ब्रो, आई विल डेफिनेटली ट्राई। बाकी ईटीएस 100% खेलेंगे ब्रो हम लोग, 100% विल प्ले ईटीएस 2। ओके ईटीएस यहाँ पे हम लोग को ब्लॉक मिला, दैट्स द रीज़न हम लोग इस मेन लाइन से जा रहे हैं। गाड़ी को मैं सोचा हूँ स्लो करूँ, ये फिरोक पे हमें साइडिंग पे लिया गया था बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज बाय दिस बीटीपी एंट्रेंट, और वहाँ पर सब इसका तो इंजन भी अलग है। गाड़ी स्लो है जो पर अच्छा 100 की ऊपर स्पीड नहीं था। सही है, ट्रेन की तो काफ़ी यादें जुड़े से मैं अभी इंटीरियर से गया था कि आपको वो जनशताब्दी का इंटीरियर वाला फीलिंग भी है। यहाँ पे भी ट्रेन खड़ी है भाई, सही है यार। ट्रैक चेक करूँ? ओके अन्ना लेट्स चेक, फिलहाल ट्रैक इज क्लियर ब्रो, फिलहाल इट्स क्लियर। बाकी ये पता नहीं आगे कहाँ पे मुझे वो गड़बड़ मिलेगा। बाकी रिंटू ब्रो यू कैन ट्राई, क्योंकि देखो रूटर या बुया या फिर ट्विच ये सब लाइव स्ट्रीमिंग के ऐप्स है। यूट्यूब में ठीक है अपलोडिंग अलाउड है, ट्विच में भी अपलोडिंग कर सकते हो, लेकिन आप लाइव स्ट्रीम में से ही अपलोड कर सकते हो, इतना मैंने देखा है। खुद का अपलोड करोगे तो इतना मज़ा नहीं है। प्लस देखो मैं और आपको खुला बता दूँ कि ताकि आप लोग भी उस हिसाब से डिसीजन लो, अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपना इन्वेस्टमेंट्स ना लगाओ, फिर बाद में बोला रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं। जैसे मैंने भूया पे किया, चिकी भाई ने भी बोला कि भाई देखो आपको इतना बेनिफिट नहीं है क्योंकि आप फ्री फायर नहीं खेलते हो, बीजीएमआई नहीं खेलते हो, तो आपके लिए इतना मज़ेदार नहीं है। और यस मेरे लिए इतना मज़ेदार नहीं रहा वो, सो आई अप्रिशिएट। एंड उन्होंने रूटर का भी कहा, ध्रुव भाई ने भी कहा और 4-5 लोगों ने भी कहा, तो रूटर ट्राई किया, ठीक है ट्राई कर रहे हैं हम लोग। हालांकि मेरे 500 पॉइंट कट गए अभी के, यानी कॉइन्स वो आप लोग में बढ़ गए, विच इज़ फाइन फॉर मी। तो लास्ट स्ट्रीम का जो फैन रैंकिंग था उसमें 500 पॉइंट आई थिंक सो 3 लोगों में बटेगा, अभी वो 3 लोग में बढ़ता है, कितने लोगों में बढ़ता है मुझे पता नहीं, तो ये चीज़ मैं समझूंगा। ट्रेन खड़ी है, ओके ये सब ब्लॉक कर रहा है हमारे मेन लैंग्वेज से, देखा जाए तो ये भी नहीं अच्छा हो जाए। ब्लॉग अभी खुल था भाई, यहाँ से भी अच्छा व्यू आता है आपके को। हेलो अक्षर भाई, वेलकम, गुड इवनिंग।
अच्छा बस सर मुझको बता देना, आई थिंक सो आप लोगों को भी कुछ पॉइंट्स मिलने वाले रात के 12 के बाद, क्योंकि मेरे 500 पॉइंट काट दिए लोगों ने फैन रैंकिंग के लिए। तो अभी मेरे को ये पता करना है कि वो 500 आप तीन में बढ़ते हैं या जितने लोग भी अवेलेबल थे उन सब में बढ़ते हैं, क्योंकि ये देखो मेरे नया चीज़ है। मेरा पुराना लाइव स्ट्रीम का बैटरी चार्ज हो रहा है भाई साहब, अभी तक चार्जिंग पे रखा है। जो मैंने इसके पहले स्ट्रीम किया था MSTS का, इसका मैं चार्जिंग पे रखा, क्योंकि ETS2 के भी मेरे को बैटरी चाहिए। तो ये आई थिंक सो और आधा पौना घंटा हम लोग करने वाले स्ट्रीम, 9:30 के आसपास पे ETS2 आ जाऊँगा। थोड़ा लेट रहेगा बट ठीक है, तब तक आप लोग स्टार्ट कर लेना गेम कोड और जो जो आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भाई साहब चार्ज होना ज़रूरी है। ये बैटरी भी अब पता नहीं कितना देर चलेगा, तो मुझे उसका रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैंने इस बैटरी को रेडी कर रहा हूँ। देखो ऑरेंज दिखा रहा, ऑरेंज मतलब इस चार्जिंग, एक ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन मेरे से 3 घंटे के बाद होएगा, 3 घंटे के बाद जब भी ग्रीन होएगा। अभी तो ठीक है, 3 घंटा नहीं, आधा पौना घंटा चार्ज रखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कैसा हो जाता है इसका। तो भाई चार्जिंग भी ज़रूरी है। नो प्रॉब्लम अभी हो रहा है या गेम फूड बात, देखो मैं ट्राई करूँगा 9:30 से पहले आने का, बट ठीक है देखते हैं। अभी देखो ये जब तक ये सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि इसको मेरे को मैक्सिमम खेलना है अभिनव भाई का रिक्वेस्ट पे। बाकी क्योंकि इसमें एरर दिखा तो मुझे पता नहीं एरर कहाँ आएगा। वही जन शताब्दी एक्सप्रेस हाई स्पीड में जा रही है, माँ कसम आदमी अंदर से निकला। एनीवेज सर गेम यार, गेम में कुछ भी हो सकता है। क्या टर्न मारी ट्रेन हमारी, वाह वल्ली कुनो स्टेशन। एनीवेज 2:14 पर हमें पहुँचना है और ट्रेन बैंग ऑन टाइम चल रही है एज पर द स्पीड करंटली इट्स गोइंग ऑन। स्पीड अच्छा हमने लिया है, 100 का हो गया है, तो 100 के हिसाब से अगर हमारी ट्रेन रन हो रही है तो बैंग ऑन टाइम पहुँच रही है, क्योंकि तो अभी 20 किलोमीटर हमें करना बाकी है। वैसे तिरूर के बाद का क्या हिसाब रहेगा, शोरनूर वो भाई साहब 1 घंटे के बाद आएगा, तब तक तो अपना फिर ETS2 का भी टाइम निकल जाएगा। क्या बोलती पब्लिक, हम लोग आज तिरूर तक खेलें या थोड़ा आगे तक ले जाए फिर 9:30 बजे ETS2 खेलें? ETS2 का पब्लिक मुझे बता दो कि ETS2 हम लोग 9:15 बजे खेलें या 9:30 बजे खेलें, क्योंकि 9:05 तो हो चुका है। अगर हम लोग तिरूर पर गेम को सेव करके नेक्स्ट टाइम खेलते हैं तो हम लोग 9:20 तक ETS2 चला सकते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि 15 मिनट अभी भी है। तिरूर तक, ओके तिरूर तक ठीक है, डन गाइस। तिरूर पर हम लोग इसको सेव करेंगे एंड फिर देखता हूँ मैं कल इसको कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे जब तक एरर नहीं आता, क्योंकि एरर आएगा इतना पक्का है, क्योंकि वो एरर कुछ बता तो रहा था साथ में। फिर ETS2 पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे 9:20 तक, तब तक भाई लोग रेडी हो जाएंगे लोग। तो 10:30 11 या 11 मैक्स तक हम लोग ETS2 खेलते हैं, बिकॉज अगर ऑफिस भी है भाई, आराम भी करना है, नहीं तो रात भर फिर नींद का प्रॉब्लम हो जाता है। इन्हें एक्टिव होना चाहिए होता है लेकिन नींद आना चालू हो जाती है, क्योंकि रेस्ट तो किया ही। चलो यहाँ से भी देखते हैं यार गाड़ी को पास ऑन होते। मशीन पे थोड़े चलाया था मैंने।
क्या बोली पब्लिक, कितने डब्बे की ट्रेन है बता दो, कितने डब्बे की ये ट्रेन है, एक बार फिर से काउंटिंग कर लेते हैं। काउंट एंड लेट मी नो कौन बताएगा कि कितने डब्बे, 100 पॉइंट्स पर दैट गाय। सो बता देना कितने डब्बे थे, जो पहला सही जवाब देगा 100 पॉइंट्स दूंगा उनको मैं। श्रीनिवास का ही अच्छा ऐसा है क्या, दोनों सही प्रोनाउंस होते हैं, दैट्स ग्रेट। सो लास्ट टाइम बता दो कितने डब्बे हैं। ओके अन्ना, रिंटू अन्ना इज द राइट वन। 23 नहीं है दोस्त, 22 डब्बे हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, 22 डब्बे थे। तो रिंटू अन्ना को 100 पॉइंट मिल जाएंगे। मैं देखता हूँ अगर रोटर पे भी आप लोगों को मैं कॉइन्स दे सकता हूँ, यानी अपने ही कॉइंस। अभी देखो मेरे अपने कॉइंस फैन रैंकिंग्स में गए, तो अभी मेरे को बस ये पता करना है कि ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए कि वो 500 पॉइंट 3 लोग में बढ़ता है या फिर जितने लोग लाइव स्ट्रीम में थे सबको बढ़ता है, यानी वो 500 इंटू सो मच पीपल या 500 इंटू टॉप 3 फैंस। तो उसका मेरे को संबंध नहीं है ताकि मैं पॉइंट्स दे सकूँ। तो भाई वो पॉइंट्स आप लोगों के ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप लोग वो पॉइंट्स इकट्ठा करके महीने में एक बार इकट्ठा करके फिर उसे पेटीएम में एंड कैश कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। कोई बात नहीं, आपने इंजन को भी काउंट कर लिया होगा। सो लेट मी चेक फॉर द रूटर, रूटर पे अगर मैं आप लोगों को कॉइन्स दे सकता हूँ ना, जो एक्चुअल कॉइन्स है जिसको आप पेटीएम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं उसका भी कुछ करूँगा ताकि आप लोग के लिए बहुत 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 बेनिफिट्स रहे। बट लेट मी सी, क्योंकि आई थिंक सो उसमें मेरे ही पॉइंट्स जाएंगे, कुछ मुझे ऐसा डाउट लगा। जैसे कि फ़ैन का भी लास्ट टाइम, अभी मैं फ़ैन ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मिनिमम कुछ 500 पॉइंट्स ही होता है और मेरे पास वो 500 पॉइंट भी नहीं, मेरे पास 200 पॉइंट भी नहीं अभी। तो शायद कल 500 पॉइंट है तो कल फिर मैं शायद बांट रहा हूँ अभी, लेकिन आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स मे भी मिलता होगा लाइव स्ट्रीमिंग के, तो वो भी मैं पता कर लूँगा यार। थैंक यू अभिनव भाई, थैंक्स अ लॉट। देखता हूँ आगे आप लोग का जैसा सपोर्ट रहे, एंड आई रियली 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 थैंक यू ऑल, जितने लोग भी समय हैं आप लोग सब लोग सपोर्ट करो हर चीज़ पे। अक्षत भाई, अभिनव भाई, अपूर्व, टेकी इंडिया, रिंटू अन्ना, बहुत सारे लोगों को थैंक्स, बिकॉज ईच एंड एवरी वन यू जो इस समय चैट पर है, जो बातचीत भी कर रहे हैं, सब लोगों ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। भले बुआ फेल था, एग्जैक्टली फेल नहीं होगा, फ्यूचर में देखते हैं जैसा भी हो, बट आप सब लोगों का सपोर्ट वहाँ पे रहा है। कौन सा व्यू चाहिए गाइस बता दो, फिर हम लोग उस हिसाब से करें। और देर इज टॉप आवर्स ऑन रूटर, आई थिंक सो है उधर भी, कौन कितना दे रहा था, लेकिन वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जैसा कि मेरे लिए चीज़ नया है यार, आज पहली बार लाइव कर रहा हूँ इस पर। तो देखो जैसे जैसे मुझे मालूम पड़ेगा मैं आप लोगों का बेनिफिट क्या देखूँगा यार। थैंक यू अर्कन भाई,
बाकी कल भी देखता हूँ, कल शायद ट्विच पे भी करूँगा, रूटर पे भी करूँगा और यूट्यूब पे भी करूँगा, और पता करता हूँ आप लोग को अगर मैं खुद से कॉइन्स दे सकता हूँ ताकि आप लोग उसको पेटीएम में कन्वर्ट करो, तो दैट्स ग्रेट, आप लोग का ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि तो मुझे इतना मालूम है कि इसमें हम लोग को इतना बेनिफिट नहीं है जितना व्यूवर्स को बेनिफिट है, तो वो करने में कोई गम नहीं है। पैसेंजर विंडो, या पैसेंजर विंडो कर रहे हम लोग अभी। मेरे को शायद आगे जाना पड़ेगा यार। सही टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेन आ रही है। चलो इसलिए हम लोग पहला रन देखते हैं यार, लेकिन गाड़ी बहुत स्पीड में तो पहला रन नहीं हो पाएगा। बाकी हो सकता है मंथ एंड में शायद ऐसे कंडीशन ये लोग डाल दे रूटा वाले कि नहीं भाई मैं यूट्यूब पे नहीं आ सकता हूँ, तो यूट्यूब पे शायद अपलोडिंग कर पाऊँगा एंड लाइव वुड बी यार। देखो मैं आप लोगों को बिंदास फ्यूचर प्लान्स बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हर जगह पे आपका बेनिफिट नहीं होता है, आपको काफ़ी चीज़ों में कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। बोलते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ में होता है, यूट्यूब पे में अगर बेनिफिट्स है तो उसमें नुकसान भी बहुत है, जो कि है ऑब्वियसली आप लोग में से काफ़ी यूट्यूबर को पता है। तो रूटर पे भी ऐसे ही है, बेनिफिट्स तो है लेकिन रिस्क भी है, लॉसेस भी है। अभी से मेरे 500 पॉइंट चले गए, बट आई डोंट माइंड, ये सब आप लोग को ही मिल रहा है। तो गेट फूड भले आप लोग रेडी कर लो, मैं अभी 5 मिनट में आने का ट्राई करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, 9:20 तक अभी भी जाए। तो चलो डोरू की तरफ चलते हैं अभी, बिकॉज स्टेशन आ रहा है, डबल येलो सिग्नल भी हो गया, एक बार स्टेटस देख लो भाई। ओके जॉर्ड, तो गेम को एक बार यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट प्रॉब्लम मैं कल के ट्राई करता हूँ। नहीं वो करता था कि आप लोगों को पॉइंट्स मिले, बट आई वुड सजेस्ट भले मत करो, कोई बात नहीं, इट्स फाइन यार। मैंने भी खुद कोई ऐप इन लोग से इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि वो लोग वो ऐप मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। बेनिफिट्स है 200 कॉइन, यानी 2 रुपये के लिए मैं अपना रिस्क क्यों लूँ। भाई ब्रेक लग जा, गाड़ी को ज़्यादा ही स्पीड में आ गई है। बाकी देखो ये लोग तो कहते रहेंगे ये ऐप इंस्टॉल करो वो ऐप इंस्टॉल करो, बाकी मैंने भी देखो कोई ऐप इंस्टॉल नहीं किया, बिकॉज आई हैव माई प्ले स्टोर इतनी। बाकी ये जो लोग टास्क है डेली टास्क वो सिर्फ देख लेना, और कुछ वीडियोस देखने होते हैं, कुछ लोगों को सपोर्ट करने होते हैं, बस वही है, आप लोगों को पॉइंट्स मिल जाएंगे। दिन के 200-300 पॉइंट भी अगर देखा जाए तो 30 दिन का आप लोग अंदाज़ा लगा लो, अगर दिन का 300 पॉइंट भी मिलता है तो 30 दिन का 9,000 पॉइंट, 9,000 का ठीक है, आपको शायद वो लोग 90 तो नहीं देंगे, पर अगेन क्लेम एटलीस्ट 50 या फिर 100, थोड़ा और एडिशनल भी आप लोग को मिल सकता है बीच बीच में। 10,000 पॉइंट्स हो गया तो 100 100 रुपीज़ मिल जाएगा, पेटीएम का इंस्टेंट मिलेगा वो भी। सो एनीवेज हम लोग यहाँ पे आ गए, हाई सिग्नल भी यहाँ पे येलो है, लाइन क्लियर है, नेक्स्ट स्टेशन है शोरन रोड, गाड़ी को डिपार्ट करते हैं, फिर ETS 2 के लिए मिलते हैं अगले 5 मिनट में। वैसे मेरे को G20N भी सेटअप करना पड़ेगा, पर ये ज़्यादा टाइम ही लगेगा, वो भाई साहब को अभी से ही सेटअप कर लेता हूँ, उसको ना खास अलग जगह पर रखना पड़ता है। ये देखो भाई आ गया हमारा G20N, इसको अभी सेटअप कर लेता हूँ, फिर अगले स्ट्रीम में मिलता हूँ 5 मिनट के बाद।
आई एम नॉट गोइंग टू रजिस्टर। नहीं नहीं मत करो, मैं खुद कह रहा हूँ ना अभिनव भाई, आई एम माई सेल्फ टेलिंग यू, नो नीड टू रजिस्टर। वो 100-200 कॉइन्स के लिए रिस्क मत लो, आई एम माई सेल्फ टेलिंग यू। बट जो डेली वाले हैं वो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कोई लॉस नहीं, बस कुछ लोगों को सपोर्ट करना है। एक दो चीज़ उसमें, एक दो चीज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं होता है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना। और अभी मैं इसका USB भी अटैच करता हूँ ताकि 5 मिनट में आप लोगों को भी मिल जाऊँ। तो जो बेसिक सेटअप करना होता है ATS2 के लिए, वो मैं अभी आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ। ये लो भाई G20, भाई साहब देखो अभी कैसा भूतिया की तरह घूम रहा है। बस मुझे अभी कैमरा सेट करना है और बैटरी भी देखूँ भाई साहब चार्ज हो रहा है। ट्राई करता हूँ ट्विच का, क्या बोलते हैं आप लोग, ट्विच पे करूँ अभी या रूटर और यूट्यूब पे ही रखूँ? रूटर पर ऐसे आप लोग का किसी का रिप्लाई तो नहीं आ रहा है, बट ठीक है ट्विच भी रख सकता हूँ मैं, जैसा आप लोग का। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग 3-3 जगह पे फिर वो अपना बैटरी की वाट लग रहा, डेटा गायब कराऊँ। कुछ लोग का मोबाइल डेटा पे चलता है, फिर वो लोग का 3-3 जगह पे एट द एंड ख़त्म हो जाता है। सो एनीवेज गाइस, हमारी जन शताब्दी निकल चुकी है, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। कल भी आई थिंक सो शायद ये 3 रहेंगे, MSTS, ETS2 एंड रेलवर्क्स। क्योंकि रेलवर्क्स हमें कंप्लीट करना है, MSTS का भी कंप्लीट करना है। वैसे मडगांव का तो हमला हो गया, मडगांव और MSTS का देखता हूँ कभी मैं दूसरा करूँ। यूट्यूब एंड ट्विच देखता हूँ, रूटर का भी मेरे को देखने लगे। देखो मेरे को आज फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आई हैव टू ट्राई रूटर ऑल्सो टू सी कि आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी देखो ट्विच पे देखो आप लोगों को बेनिफिट्स दे रहा हूँ मैं साउंड्स प्ले करने के, तो आप लोगों को ही पॉइंट्स इन रिटर्न मिल रहा है। सो एनीवेज गाइस, आई विल सी यू आफ्टर 5 मिनट्स विद ETS2। अच्छा मैं भूल गया, ट्विच तो मेरा ऑन है नहीं, लॉल।